Hi everyone, welcome to Genius. Professor, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. मैं आपको बहुत सी चीज़ें भी सिखा सकता हूँ, पर क्या ही मतलब है आपका ज़्यादा टाइम लेकर के। तो चलो इस छोटे से वीडियो में मैं आपके 3 नंबर या फिर 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के कराता हूँ, एक सिंपल से न्यूमेरिकल को करते हुए। सो यहाँ पर ना हमारे पास एक चैप्टर है जिसे कहते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है बेटा। तो बहुत से लोगों ने इसको ऑप्शन में भी डाला होगा, पर मैं आपको इसमें से ना एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली फिक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कराया था, ये भी मैं करा के देता हूँ। और अगर आपको मेरे हैंड राइटर नोट्स चाहिए ना, मेरे पास हैंड राइटर नोट्स भी है, मैंने आपके लिए बनाए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें अभी इस वीडियो के खत्म होते ही मैं डाल दूंगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन बैंक भी डाल दूंगा। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। देखो यहाँ पर ना हमारे पास ना आपको 2 फॉर्मूला मैं याद करा के दे रहा हूँ, पहले वो 2 फॉर्मूला याद कर लो, फिर आपका काम एकदम आसान मैं बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है ना बेटा, वो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है के इक्वल टू, देखो 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए नॉट बाय ए टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो के है ना वो रेट कॉन्स्टेंट है, ऑलराइट, और टी जो हमारा टाइम है, और ए नॉट जो है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ए टी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ना कभी भी याद रखना ए नॉट आपको एग्जाम में दिया नहीं होगा, ये आपको कभी भी कंसीडर करना है 100%, ठीक है। और ए टी आपको कहेगा कि ये 50% हो रहा है, 20% हो रहा है, ऐसे करके आपको हलाना फलाना कहेगा 50%, 60%। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से जितना भी परसेंट बोल रहा है उसको माइनस करना है। जैसे 80% बोलता है तो 80 को माइनस कर लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 20%, ये आपका ए नॉट और ए टी हो गया। और फिर वो आपको टाइम खुद से बोलेगा कि इतना टाइम है, इतना मिनट है, इतना सेकंड है। याद रखना जब भी मिनट में देगा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना मत बोलना विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 60। टेंशन मत लो, अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर करके लेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर ना सबसे पहले के आप निकाल लोगे जब आपको टी पता है, ए नॉट और ए टी पता है। सिंपल है, ए नॉट और ए टी डिवाइड करना है, फिर इसके बाद उसका लॉग देखना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ये सब कर करके निकाल लेना के। फिर के निकालने के बाद आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला है, के इक्वल टू होता है 0.693 बेटा, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से हम लोग ना टी हाफ निकाल सकते हैं। कैसे? अभी अभी हम लोग ने ऊपर वाले फॉर्मूले में के निकाला है बेटा, तो इस के को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से टी हाफ नीचे की तरफ है, तो इसे हम निकालना है, तो के इधर आ जाएगा और टी हाफ यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। फिर यहाँ से हम लोग टी हाफ की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले मेरी बात सुन लो, आप लोग ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करो इस समय। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ बीच में इंटरप्ट करते हुए, और सेकंड आप रिवीजन करो। अब जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैंने तो ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा आपको लगेगा, ऐसा आपके साथ होएगा। बट टेंशन तो आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसे ही होएगा, और कंटाला भी आएगा कि पढ़ने का मन नहीं करेगा कि छोड़ो यार क्या ही पढ़ रहे हो वापस से, एकदम बोर मार रहा है। पर याद रखना जब भी आप छोड़ोगे तो कोई दूसरा इंसान खड़ा होगा, वो वहाँ से ले लेगा आपके मार्क्स जो आपको चाहिए ना 90%, वो दूसरा कोई लेके चले जाएगा। आप अपने आपको पेशेंस रखो, आराम से रिलैक्स हो, मेरे वन शॉट के वीडियोस देखो, और फिर से एक बार वापस से फ्रेश होकर के बैठो, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको ना इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस करा के देता हूँ। पहले इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक का एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर 2 नंबर या फिर 3 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स आएगा ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। इलेक्ट्रो करा दिया मैंने, और ये वाला करवा दे रहा हूँ मैं आपको केमिकल काइनेटिक, मतलब 2 चैप्टर तो मैं आपके न्यूमेरिकल की एकदम अच्छे से करा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल यार सिंपल रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, बच्चे न्यूमेरिकल से पता नहीं क्यों डरते हैं, ठीक है। तो चलो अभी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द हाफ लाइफ। देखो कि अपने को देखो पहले क्वेश्चन भी पूछ लिया, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.8 मोलार टू 0.2 मोलार इन 12 आवर्स। अब देख लो एकदम सिंपल है, सबसे पहले देखो कितना बोल रहा है, 0.8 मोलार यानी कि ये ए नॉट दे रहा है, ठीक है, और 0.2 मोलार है यानी कि ये दे रहा है अपने को ए टी, इतना समझ में आ गया। और 12 आवर्स बोला है, तो 12 आवर्स सीधी सी बात है ना बेटा, 12 आवर्स क्या होगा, टी होगा टाइम है ना, इधर पे लिखा ना घंटा, आवर्स मतलब क्या होता है घंटा, राइट, आपको समझ में आ रहा रहेगा बरोबर। तो अब देखो हम लोग के पास सबसे पहले हाफ लाइफ निकालने को बोला, तो सबसे पहले हाफ लाइफ निकालने के लिए कूदो मत, सबसे पहले आप के निकालो। मैंने आपको बताया ना सबसे पहले के निकलेगा, के बाद हाफ लाइफ निकलेगा। तो देखो इसको सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, देखो एकदम सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था ना, ये फॉर्मूला भी लिखा होगा ना इसके ऊपर, ये वाला फॉर्मूला और कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला बताओ, कौन सा लिखा बताया था आपको, के इक्वल टू 0.693 मेरे साथ बोलो एक बार अपॉन टी हाफ, ये 2 फॉर्मूला भी लिख दोगे ना इसके ऊपर भी आपको
एक मार्क तो मिल ही जाएगा ये फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, ए नॉट की जगह पे हम लोगों ने 0.8 रख दिया, ए टी की जगह पे 0.2 रख दिया, सिंपल। फिर इसके बाद टी की जगह पे हम लोगों ने 12 घंटा जो लोगों ने दिया था वो रख लिया, तो हम लोगों ने यहाँ से के निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद तो एकदम सिंपल है बेटा। इसके बाद ये टी हाफ वाला जो फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, ठीक है, के करके बताया था ना अभी भी ऊपर, वही फॉर्मूला है। के की वैल्यू जो अभी ऊपर निकाली है उसको यहाँ रखो और ये निकाल लो, हो गया, सिंपल था, ठीक है। चलो और याद रखना ज़्यादातर हाफ ही मार देने का, जैसे पहले ऊपर टाइम 12 घंटा दिया था ना, तो उसका हाफ मार देने का, 6 आवर्स इसके मतलब अप्रोक्स आएगा, ऐसा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अप्रोक्स आता है, ठीक है। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको बताना, अभी देखो यही क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया, मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन फंसेगा, देखना, ठीक है। ये आपको रियलाइज तब होगा जब एक आध फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन बैंक से आएंगे ना, तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलो ये सब समझ में आ गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना। अब देखो वापस से वही वही क्वेश्चन यहाँ पर वापस से पूछा है, देखो जो मैंने जैसा मैंने आपको बताया था ना वैसे, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा के देता हूँ। देखो डिफाइन मॉलिक्युलरिटी, ये बता रहा है, छोड़ो मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन क्या वो लिख देना, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना इतना, मतलब अपने को रेट कॉन्स्टेंट इस बार के की वैल्यू दे रहा है, रेट कॉन्स्टेंट बोल रहा है ना भाई, रेट कॉन्स्टेंट, तो ये अपने को के की वैल्यू क्या दे दे रहा है, ये दे दे रहा है, ओके। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80%, 80% मतलब अपने को ये दे रहा है 80, ये क्या दे रहा है 80 ऑफ रिएक्टेंट टू डिकम्पोज। तो सबसे पहले सिंपल है यार, पहले ए नॉट कितना होता है सबको पता है, ए नॉट कभी भी कितना होता है याद रखना 100 होता है, कितना होता है 100, जब नहीं दिया होगा तो 100 लेने का, ठीक है। अब ए टी अपने को कितना बोला है 80 ना, तो सिंपल है, देखो ए टी कैसे निकालेगा, 100 माइनस 80 करने का, क्या करने का बेटा, 100 माइनस 80 करने का, तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, सिंपल। इतना तक समझ में आ गया ना, अब सिंपल है आगे का, देखो आगे का कुछ नहीं है, खाली रखो और निकालो। देखो यहाँ पर के दे दिया अपने को, ए नॉट पता है 100% है, ए टी कितना अपने को 20 पता है, सिंपल है। अब यहाँ से अपने को टी निकालना है, तो टी सीधी सी बात है के इधर आएगा, टी इसकी जगह पे जाएगा, और फिर सबकी वैल्यू सब शूट करके अपने को इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बच्चे सॉल्व करने में डरते हैं, अरे बेटा तुम लोग रख के भी आओगे ना मार्क्स, रख के आओगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। एग्जामिनर कट टू कट ये आंसर नहीं देखता, ये सब भी चेक करता है, इतना भी क्या ना करेक्ट देता है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखो सिंपल है यार, देखो ना ये 0 से 0 कट गया, और 2 5 10 होता है, यहाँ पर आ गया लॉग 5, ठीक है। और फिर देखो इसको और इसको डिवाइड करो, इससे लॉग 5 से मल्टीप्लाई करो, और ये आ जाएगा टी, सिंपल है एकदम, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा आपको, आएगा राइट, क्योंकि बी ए जीनियस, अब जीनियस प्रोफेसर के चैनल पे हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, ठीक है। 8 दिन का टाइम है अपने पास, 8 9 दिन के अंदर अपने को पूरा पूरा सब कुछ करके लेने का है, और मैं भी देखो एकदम स्पीड अप कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आपको वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन बैंक में से पूछा है, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है 20%, तो सीधी सी बात है यार, वापस से वही सब सिस्टम करने का, इसको वापस से सॉल्व करने का है, तो सिंपल है। देखो ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपको, मैं टेक्स्ट बुक भी दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बुक में भी देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लो, एकदम सिंपल है ये, आते आते, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो, वो लोग को भी पता है यार, बच्चे लोग ने ऑनलाइन पढ़ाई किया है और ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए बुला रहे, तो क्वेश्चन ईजी ही आएगा, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस चैप्टर में ना आप ये वाला जो डेफिनेशन लिखा ना ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलरिटी, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना। आपको सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चाहिए क्या, तो आप मेरे को बताओ, तो मैं आपको एकदम कट टू कट एग्जाम्पल बताता हूँ कि कौन सा आएगा, कौन से पेज पर आएगा ये भी बता दूंगा, कौन से सेक्शन में आएगा ये भी बता सकता हूँ, मेरे पास है एक सीक्रेट, अगर चाहिए तो बोलो कमेंट में, मैं बताऊंगा, अगर नहीं चाहिए तो रहने दो, आपका भी टाइम बचेगा मेरा भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी इसमें कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आता ही आता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ 3 नंबर के लिए आता है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सिंपल है यार, देखो द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब टी हाफ अपने को दे रहा है 990 सेकंड दे रहा है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इतना दे रहा है, व्हाट कंसंट्रेशन विल रिमेन आफ्टर 35 मिनट, 35 मिनट के बाद पूछ रहा है, तो सिंपल है। देखो सबसे पहले के और टी हाफ वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला फॉर्मूला अभी अभी ऊपर बताया था ना, फॉर्मूला लिखा के दिया आपको, स्क्रीनशॉट लेने को बोला, तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू रख दो, एक यहाँ से के निकल के आ गया, फिर के वाला जो दूसरा फॉर्मूला है इसके अंदर सब कुछ आपको रखना और निकालना। देखो टी की जगह पे आप क्या रखोगे, 35 मिनट रख दोगे, ठीक है, क्योंकि आपने को 35 मिनट के बाद पूछा है ना, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 35 मिनट को याद रखना बेटा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, 2100 सेकंड इंटू कर देना 60 से, नहीं समझा, अरे सिंपल है ना, कशाला तुम्हें बड़ा त्रास घेता है, बगा इकड़े खूबत सोप रहे हो तुम्हें, क्या है फक्त पहला का तुम्हारा टी हाफ दिला होता ना राइट, हाफ लाइफ दिया था ना 990 सेकेंड, तो आपने यहाँ पे 990 सेकेंड रख दिया, समझा। फिर यहाँ से हम लोगों ने इसको इसको डिवाइड करके के की वैल्यू निकाली। अब के के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे को पता है भाई कितना दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है ना 0.08 मोल दिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह पे क्या रखूँगा 0.08 मोल रखूँगा राइट। और फिर उसके बाद टी मेरे को कितना दिया हुआ इधर पे बोला ना 35 मिनट के बाद, यानी कि 35 को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 2100, ठीक है। और के की वैल्यू ये जो मैंने ऊपर अभी ये निकाल लिए, ओके, तो इन सबको सब्स्टिट्यूट करके मैं सॉल्व करके लूंगा और मैं यहाँ से ए टी निकाल लूंगा, सिंपल है, समझ में आ गया। ध्यान रखना जब मोल वोल में दिया रहेगा ना, तब मत करने लगना भाई 0.100 माइनस 0.08, ऐसा मत करना, तब वो गड़बड़ा आ जाएगा, समझे, ऐसा मत करना। और राइट ये लॉग का देखो, लॉग का वो साइड में चले जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, सिंपल है, बट ट्राई तो करो, लॉग वो साइड जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा,
इसका एंटी लॉग इतना आ गया, और ये ए नॉट अपने को पता है 0.08 है, ठीक है, और ये नीचे है तो फिर ये जीरो, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, इसके साथ देखो ए नॉट के जगह 0.08 और ये 4.35 है ना एंटी लॉग निकाला, इसको रख करके इसको सॉल्व किया, ठीक है। और ये 60% देखो मैंने पहले आपको बताया था ना, वो वाला क्वेश्चन है, ऐसा वाला, समझ में आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलो अभी मैं आपको मिलूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, और कमेंट सेक्शन बताओ कौन सा वीडियो चाहिए, अभी तुरंत बना के दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे इसका एक ब्यूटीफुल सा हैंड राइटन नोट्स देता हूँ, अभी अभी आपको एक नोट देता हूँ, ऐसा नोट देता हूँ कि आपने जिंदगी में नहीं देखा रहेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।